2013 बजिंदर सिंह की चुटिया थाना के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। फोन किया कि माँ बाबा को गोली मार दिए। उसके बाद तो घर बिखर गया हम लोग का। मेरा नाम सकलदीप कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय बजिंदर सिंह जो एसपीओ में कार्यरत थे पहले और एक ठेकेदारी काम करते थे। थाना में एफआईआर किए, 2-3 साल परेशान रहे, दौड़ धूप किए, उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग दौड़ना बंद कर दिए, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला, ना कोई नौकरी का कुछ आश्वासन नहीं मिला। अभी आप क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। तो उनके जाने के बाद घर का स्थिति कैसा रहा? स्थिति बहुत खराब है, किसी तरह चल रहा है। प्रशासन से आप लोग लगभग कितना दिन तक मांग किए? 4 साल तक मांग किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप लोग एफआईआर वगैरह सब कुछ किए थे? सब कुछ किए हैं। उनका कहना है कि पिछले 7 साल से थाने के चक्कर काट काट कर वह थक चुके हैं और उनकी सुनवाई के लिए कोई नहीं। आज बजिंदर सिंह का परिवार कई कठिनाइयों से जूझ रहा है, ना ही इनको सरकार के तरफ से आश्वासन मिली और ना ही न्याय। उसका पापा पहले ठेकेदारी करते थे, उसके बाद पुलिस का सहयोगी भी थे। उसके बाद 2013 में उनका चुटिया थाना के पास गोली मार के गोली मारा। उसके बाद हम लोग घर में थे, बड़ा लड़का वहाँ कोई बताया उसने गया। उसके बाद हम भी गए दौड़ के, पुलिस ऊपर से देख रहा है बिल्डिंग से, लेकिन कोई नहीं उतरा। उसके बाद हम लोग कितना अथी किए काम के लिए, घर में बहुत दिक्कत था हम लोग का, जैसे कि बड़ा लड़का भी छोटा था, उतना घर संभालने जैसा नहीं था। उसका पापा डेट किए, उसके बाद हम लोग को बहुत इतना दिक्कत था कि बड़ी बेटी का शादी किए थे, हम लोग का घर चलाना मुश्किल था। हम लोग सोचे कि कुछ मदद मिलेगा, सरकारी नौकरी देने का अथी था, वो भी नहीं हुआ। हम लोग का 5-6 साल हम लोग बहुत दौड़ धूप किए, उसके बाद भी हम लोग को कुछ मदद नहीं मिला। उसके बाद हम लोग निराश होके, आप बीच वाला लड़का भी बहुत दौड़ा, उसके बाद भी हम लोग बीच में गिन संभलने नहीं सके। और उसके बाद हम लोग अभी तक ले आप मेरे रह कि आज मिलेगा, कल होगा, काम परसों होगा, लेकिन कोई मदद नहीं मिला हम लोग को। जैसे उनका डेथ हुआ, उसके बाद घर का क्या हालत हो गया? घर का हालत बहुत ख़राब था बाबू। उसके बाद घर का हालत इतना ख़राब था हम लोग का कि बड़ा लड़का भी घर चलाने जैसा नहीं था, लेकिन किसी तरह चला। आपकी कितनी बेटी है? 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी का शादी हुआ, छोटी लड़की शादी करने जैसा है। सरकार से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? सरकार से हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिला। बहुत दौड़ धूप किए कि मुआवजा मिलेगा तो नौकरी मिलेगा, कितना कागज पत्र अथी करके दौड़े धूप किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक से हम लोग निराश से हैं। तो जैसे जब थे वो, तब कैसे घर का हालत था, उनके जाने के बाद हालत कैसा हो गया? वो थे तो ठीक ही चल रहा था, उनके बाद घर का जड़े नहीं तो कैसे चलेगा। उसके बाद तो घर बिखर गया हम लोग का। घर में अभी काम करने वाला, कमाने वाला कोई नहीं? कमाने वाला बड़ा लड़का प्राइवेट में काम करता है, किसी तरह 4 परिवार को पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई हर चीज उसी में करना है। सोचे कि अगर काम मिल जाएगा तो, चाहे मुआवजा मिलेगा तो ठीक ही होगा कह के, लेकिन कुछ नहीं मिला। आपको क्या उम्मीद है सरकार से, अभी मिलेगा या आगे आने वाले टाइम में कुछ होगा सुनवाई? उम्मीद लेके तो इतना दिन चले बाबू, लेकिन कुछ उम्मीद निराश होकर अभी तो बैठे हैं। तो अभी आप लोग जैसे हुआ था तो थाना का चक्कर काटते थे बहुत, अभी फिर से थाना वाना जाना होता है या फिर नहीं होता है? अभी तो बीच में छोड़ दिए, कुछ नहीं जा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बहुत दौड़ धूप किए,
पाँच छः साल तक तक। अभी बीच में तो आपकी बड़ी बेटी का शादी कब हुआ? 13 में हुआ है। उसी साल? उसी साल हुआ, उसके एक महीना बाद उनका अथी हुआ, मई में, 22 मई के हुआ था, 2 जुलाई के उनका अथी हुआ, मर्डर हुआ। जिस समय अथी था तो पुलिस बहुत अथी किए, लेकिन जिस समय मरने के बाद में कोई नहीं पूछ रहा है, उसके बाद हम लोग कितना दुख हुआ बाबू, हम लोग उसको नहीं बता सकते हैं, इतना दुख हुआ हम लोग को उनका अथी के बाद में। ये जैसे कि लड़का सब भी छोटा छोटा था, सब बच्चा सब भी शादी भी किए थे, घर भी में कुछ नहीं था, सोचे कि किसी तरह काम उम हो जाएगा तो अरे हमको मिलेगा, चाहे मेरा बीच वाला लड़का को मिलेगा तो किसी तरह घर का स्थिति सुधर जाएगा कह के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग बहुत दौड़ धूप किए, बहुत थाना गए, फिर अथी गए, इधर उधर बहुत दौड़ धूप किए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी तक ले हम लोग का है कि सरकार सोचते हैं, सुनते हैं कि न्यूज में देखते हैं, चाहे पेपर में देखते हैं कि हाँ सबको मिल रहा है, लेकिन हम लोग को भी मिलेगा, लेकिन कुछ आज तक ले कुछ नहीं मिला। आफ में हम लोग 6-7 साल तक दौड़े उसके बाद, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। आखिर में भी निराश हैं आप अभी तक। भारत देश में लगभग करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं। इन्हीं में से एक केस है बजिंदर सिंह के परिवार का। बजिंदर सिंह जिनकी हत्या 2013 रांची के चुटिया थाना के सामने कर दी गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनको न्याय कैसे मिलेगा और कौन देगा। ना जाने ऐसे कितने बजिंदर सिंह होंगे और ना जाने उनके परिवार कैसे हाल में जी रहे होंगे। क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा? सवाल तो सरकार पे भी खड़ा होता है कि वह इन सब चीज़ों पर ध्यान आखिर क्यों नहीं देती। क्या कभी इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? और अगर मिल भी गए तो कौन देगा उन्हें?